आरएसएस बीजेपी का तरीका क्या करते हैं, वो सबसे पहले वो समाज में डर फैलाते हैं, जो इस देश को भोजन देता है, देश का किसान दिन भर 24 घंटा काम करता है। यात्रा में हम 6 बजे शुरू करते हैं, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है, और कोई 4 बजे शुरू नहीं करता है। तो सबसे पहले ये लोग हिंदुस्तान के किसान के दिल में डर भरते हैं। कैसे भरते, मैं बताता हूं। सबसे पहले किसान को सही दाम नहीं देते, किसान 24 घंटा काम कर ले, कोई भी चीज उगा ले, कपास उगा ले, गेहूं, गन्ना, जो भी, मगर ये सरकार उसे सही दाम नहीं देती। दूसरा तरीका, आपसे बीमा का पैसा भर लेती है, लेती है नहीं लेती है, लेती है ना, ठीक है, आप पैसा देते हो, पहले सरकारी कंपनी को देते थे, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्राइवेट कंपनी को देते हो। सही बोला, गलत बोला? सही बोला। अब आप हिंदुस्तान के किसान हजारों करोड़ रुपए अपना खून पसीने का पैसा बीमा में देते हो, आंधी आती है, तूफान आता है, आपको अपना ही पैसा नहीं मिलता। तो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के जेब में से निकाले जाते हैं और सीधा प्राइवेट कंपनी वालों के जेब में डाल दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि तूफान आएगा, आंधी आएगी, आपका खेत बर्बाद होगा, फसल बर्बाद होगी, तो बीमा का पैसा मिलेगा, पता लगता है 1 रुपया नहीं मिलता। तीसरा तरीका, जब आपको फसल बेचने का समय आता है, हिंदुस्तान की सरकार एक्सपोर्ट बंद कर देती है, इंपोर्ट चालू कर देती है, तो आपका जो दाम होता है वो गिरता है। चौथा तरीका, हिंदुस्तान के अरबपतियों का ये 2 मिनट में कर्जा माफ कर देते हैं, मगर हिंदुस्तान के हजारों किसान आत्महत्या कर दे, आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। तो किसान के दिल में ऐसे डर भरते, एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण करेंगे, दूसरी तरफ आपकी जेब में से पैसा निकलेगा। पांचवा तरीका, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाते हैं।